राइस विद्यालय किरनापुर में शिक्षकों के अभाव से बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। ऐसे में कैसे सवर पाएगा देश का भावी भविष्य? किरनापुर, तहसील किरनापुर स्थित सीएम राइस शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरनापुर में सत्र प्रारंभ होने से लगातार विषय शिक्षकों का अभाव बना हुआ है, जिसके चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती जा रही है। इस समस्या को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरनापुर एवं खंड शिक्षा अधिकारी किरनापुर को एक लिखित पत्र सौंपते हुए विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की पूर्ति बहाली करवाए जाने की मांग की है, जिससे कि उनकी नियमित पढ़ाई हो पाए तथा विद्यालय का परीक्षा परिणाम भी अच्छा रह पाए। आपको बता दें कि सीएम राइस विद्यालय किरनापुर में कुल 773 छात्र अध्ययनरत है तथा विद्यालय में नियमित शिक्षकों की संख्या 10 है तथा 8 अतिथि शिक्षक यहां पर अध्यापन कार्य करवा रहे हैं, जिसके चलते कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक यहां पर शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं होने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होती जा रही है। नियमित रूप से विषयवार कक्षाओं का संचालन नहीं हो पाने से विद्यालय प्रबंधन भी व्यापक रूप से व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जिसका प्रमुख कारण शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षकों का अतिशेष होकर विद्यालय से अनियंत्रित विद्यालय जाना बताया जा रहा है। वहीं विद्यालय अपने स्तर पर अतिथि शिक्षक की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है। इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन से चर्चा करने पर बताया गया कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी के संबंध में हमारे द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, जिला कलेक्टर महोदय एवं आयुक्त सर को पत्रचार कर सूचना भी दी गई है। इसके आगे हम अपने स्तर पर और क्या कर सकते हैं। वहीं विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई नहीं हो पाने पर नाराज छात्र छात्राओं द्वारा आंदोलन किए जाने की बात दबी जुबान से की जा रही है, किंतु वे भी शासन के निर्देशों के आगे कहीं ना कहीं बेबस एवं लाचार नजर आ रहे हैं। बहरहाल सीएम राइस विद्यालय किरनापुर में विषयवार शिक्षकों की बहाली करवाए जाने की मांग छात्र आर्यन अतुल, यशवंत योगेंद्र, भूमेश मुकेश, मुस्कान विवेक, मितेश्वरी, स्नेहा, तनिष्क मनीषा, जतिन खुशी, दुर्गेश समी, आशीष शिवम, अमन पवन, ओमेंद्र, विकेश अरुण, दिव्यांश, कणिका, नीलम, हीमा सहित सैकड़ों विद्यार्थियों ने शासन प्रशासन से की है। वहीं इस विषय पर लांजी किरनापुर विधायक राजकुमार कर्राहे से प्रतिक्रिया लेने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया, किंतु शायद बिजी होने के कारण उन्होंने कॉल रिसीव नहीं कर पाए। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से विकेश मेश्राम की खास रिपोर्ट।